अलमारी के बाहर शीशा लगाना शुभ या अशुभ होता है, इस बात की जानकारी वास्तुशास्त्र में बहुत ही विस्तार से दी गई है। आप में से कई लोगों का ये सवाल था कि आप हमें बताइए कि अलमारी से बाहर शीशा लगाना शुभ या अशुभ होता है। तो आज जितने भी आपने हमें वीडियो में कमेंट किए हैं उनका जवाब देने के लिए हम आ गए हैं। आपका प्रश्न था कि अलमारी के बाहर शीशा लगाना शुभ या अशुभ, तो जान लीजिए भवन निर्माण से लेकर उसमें रखी सभी चीजों को वास्तु के अनुसार रखना चाहिए। ऐसा करने से घर वास्तु दोषों से मुक्त रहता है, साथ ही पारिवारिक समस्याओं से भी दूर रहता है। हम सभी के जीवन में वास्तुशास्त्र की अहम भूमिका है, ये हमें मानना और जानना बेहद जरूरी है। इसके नियमों का पालन करने से व्यक्ति को शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। हालांकि दोष होने पर बनने वाले जो कार्य हैं वो बिगड़ जाते हैं। आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र में घर की सभी दिशाओं का भली भांति जिक्र है। इसमें ये भी जिक्र है कि आपको कहाँ कौन सी चीजें रखनी है जिससे ऊर्जा का अच्छा संचार आपके घर में बना रहे। वास्तु से जुड़े कुछ उपाय करने से धन से जुड़ी समस्याओं का भी निवारण हो जाता है। ऐसे में धन रखने वाली जगह के लिए वास्तु नियमों का हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर सभी लोग अलमारी में धन या अपनी कीमती चीजों को रखते ही हैं। इसकी खरीदारी करते हुए कुछ लोग इस पर लगे शीशे की खूबसूरती से मोहित होकर घर में वैसी अलमारी लेकर आ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलमारी के बाहर शीशा लगाना शुभ होता है या अशुभ? अगर नहीं तो चलिए आपको बता देते हैं। अलमारी के बाहर शीशा लगाना शुभ है या अशुभ, इसका जानना आपको बेहद जरूरी है। वास्तु के अनुसार घर में अलमारी के बाहरी हिस्से में लगे शीशे अशुभ माने जाते हैं। जी हाँ, अगर आपके घर में अलमारी है और उसमें बाहर की तरफ शीशा है तो ये बेहद अशुभ माना जाता है। भूलकर भी ऐसी अलमारी की खरीदारी आपको नहीं करनी है, इससे घर में नकारात्मकता बढ़ती है। माना जाता है कि इससे घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। अब सवाल ये उठता है कि कैसी अलमारी लें? वास्तु के अनुसार घर में लोहे या लकड़ी की अलमारी रखनी चाहिए। ध्यान रखें कि इस अलमारी पर कोई भी शीशा ना लगा हो, यह घरेलू कलह का भी कारण बनता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार अलमारी को घर की दक्षिण पश्चिम हिस्से में रखना शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिशा में अलमारी के होने से परिवार में पर्याप्त पैसा रहता है। अब आपको कहाँ नहीं रखनी है अलमारी, इस बात का भी वास्तु में जिक्र है। आपको बता दें वास्तु के अनुसार घर में भूलकर भी पत्थर की अलमारी नहीं रखनी है। यह अलमारी देखने में हमेशा खूबसूरत लगती है, लेकिन इस तरह की अलमारी घर में रखने से नकारात्मकता का संचार होता है और घर में कलेश हमेशा बना रहता है। अब आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके घर में वास्तु दोष ना लगे। अब वे चीजें क्या है ध्यान से सुन लीजिए। हम सभी के जीवन में रंगों का प्रभाव बहुत अधिक पड़ता है, ऐसे में अलमारी के रंग का चयन घर की दीवारों से मिलता हुआ करें। इससे परिवार में सकारात्मकता बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का भी निर्माण होता है। यदि आपकी अलमारी में तिजोरी है तो इस पर क्रीम कलर के पेंट करवा लें, उससे शुभ माना जाता है। वहीं धन में वृद्धि के लिए भी ऐसा रंग शुभ माना गया है। वास्तुशास्त्र में कई नियम बताए गए हैं जिनका पालन करने से बरकत होती है। वास्तु के अनुसार आप तिजोरी में हल्दी की गांठ, पीली कौड़ी, चांदी के सिक्के भी रख सकते हैं। इससे हमेशा धन धान्य की प्राप्ति होगी और आपके घर में बरकत होगी और साथ ही साथ पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब जब भी कभी आप अलमारी खरीदें या कोई भी अलमारी खरीदने जाए तो हमेशा ध्यान रखें कि उसमें शीशा ना हो, क्योंकि वास्तु के अनुसार अलमारी के बाहर लगा हुआ शीशा बेहद अशुभ माना जाता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को भी जानकारी हो सके। अगर आपके भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके हर सवालों का जरूर जवाब देंगे। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें।